नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SGR एजुकेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर वन का कंप्यूटर का पार्ट, जिसमें हम पांच क्वेश्चंस मैं आपको यहां कराने वाला हूं। और क्वेश्चंस मैंने वहां से उठाए हैं जहां से अक्सर अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आ चुके हैं, जो आपके UGC नेट में और जो भी एग्ज़ाम में ICT या कंप्यूटर पूछा जाता है, जो क्वेश्चन वहाँ भी पूछे गए हैं वो उठाने की कोशिश की है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, अपने आप को टेस्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं गाइस, और मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन का मतलब समझा दूँ। इंग्लिश में तो लिखे हुए हैं और मैं हिंदी में भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि इंग्लिश और हिंदी के दोनों के स्टूडेंट्स इसे पढ़ पाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर फॉर एडिंग नंबर्स। नंबर्स ऐड करने के लिए जो मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया था वो किसने बनाया था? चार्ल्स बैबेज ने, पियानो ने, न्यूटन ने या पास्कल ने? तो ये बनाया था आप चार्ल्स बैबेज ने। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रांजिस्टर्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांजिस्टर्स जो आए थे वो कब आए थे? पहली जनरेशन में, पांचवी जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये आपके आए थे बच्चों सेकेंड जनरेशन में, ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम थे वो क्या यूज़ करते थे? तो हम ये सब जानते हैं, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर्स या फिर सिलिकन चिप्स। तो ये यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स को, जो कि बहुत बड़ी हुआ करती थी साइज में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन। इनमें से कौन सी एक स्टोर प्रोग्राम मशीन है? माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, एनालॉग कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो माइक्रो कंप्यूटर इसमें एक स्टोर प्रोग्रामिंग मशीन है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ये कहता है कि द यूनिट ऑफ हार्डवेयर विच एन ऑपरेटर यूजेस टू मॉनिटर कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज द। वो एक ऐसी यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ हार्डवेयर के बारे में पूछ रहा है जो एक ऑपरेटर इस्तेमाल करता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए। तो कार्ड रीडर, CPU, लाइन प्रिंटर या फिर कंसोल? ये होता है आपका कंसोल, दैट इज 4th ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इसे मैंने बहुत ही कम समय में सही तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। और इस वीडियो के आने वाले टाइम में 14 पार्ट्स और आएंगे। मैं टोटल आपको कंप्यूटर की 20 वीडियो दूंगा, जिस हर वीडियो में 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। और इन 100 क्वेश्चंस के बाहर से नेट के पेपर में कंप्यूटर या ICT के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो रिवाइज कर लीजिएगा सारे के सारे 20 पार्ट्स को। अब ये 6 पार्ट है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आए। तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।